अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यमी सा और डिलीशियस सा रवे का भजिया। आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो के जितना रवा। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने थोड़ा सी सेंग ली थी, ये भुना हुआ और कुटा हुआ सेंग है, ये कुछ 2 टेबलस्पून के जितना है, ये मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एक छोटी सी प्याज, बारीक छोटी सी प्याज थी, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को ऐड कर दिए। अब इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक और मिर्ची, इसको मैंने चॉप कर दी हूँ, ऐसी बारीक एकदम चॉप कर दी मैंने उसको। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर, ये हो गया ऐड। इसके बाद हम लोग डालेंगे 3 चम्मच के जितनी दही, 1, 2, 3 3 टेबलस्पून के जितने मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट, आपके नमक स्वाद के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देने का। अब ये सबको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से इसको मिक्स करके हम लोग कुछ देर के लिए उसको 10 मिनट के लिए उसको ढक के हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और अच्छे से एक पेस्ट जैसा हम लोग का रहता है ना, भजिए का जैसा पेस्ट रहता है, बैटर रहता है ना, उस तरह से हम लोग उसको बना देंगे। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हिसाब से इसके अंदर पानी डाल के हम लोग एक बैटर सा बना देंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/2 ग्लास के जितना पानी ऐड की थी, तब जाके इसका पेस्ट इतना रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब 10 मिनट इसको मैंने रखने के बाद में, ढकने के बाद में, मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा, जो हमारा मीठा सोडा होता है ना, वो इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे 10-15 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने 20 से 25 मिनट तक का मैंने बैटर को रखी थी, उसके बाद में मैंने इसको निकाल के अब इसको हम लोग भजिए का शेप देंगे। और मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखी हूँ, तो उसको इस तरह से भजिए का शेप दे के हम लोग उसको तेल में डीप फ्राई करेंगे। लाइक दिस उसको ऐड करेंगे और उसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक का हम लोग फ्राई करेंगे। पर गैस आपको थोड़ा मीडियम पे रखना है, फास्ट पे नहीं। ये देखिए, हमें इस तरह से इसे ब्राउन होने तक का फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्प होगा और लाइक दिस। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी रवे के पकोड़े, रवे के भजिए की, सूजी के भजिए की? उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी करना चाहोगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।